हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज 28 अगस्त 2021, तो 28 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने लैपटॉप वेयरेबल डिवाइसेज के लिए कार्ड पेमेंट टोकनाइजेशन सुविधा का विस्तार किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि RBI। RBI ने उपभोक्ता उपकरणों, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेयरेबल डिवाइस जैसे कि घड़ी, बैंड इत्यादि, इंटरनेट ऑफिस थिंग्स यानी कि IoT आदि को शामिल करने के लिए टोकनाइजेशन के दायरे का विस्तार किया है। इससे पहले RBI ने साल 2019 में मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकन सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क को अनुमति दी थी। टोकनाइजेशन के लिए अनुमति विभिन्न चैनलों जैसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन MST यानी कि मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन आधारित संपर्क रहित लेनदेन, इन ऐप भुगतान, QR कोड आधारित भुगतान या टोकन स्टोरेज मैकेनिज्म जैसे क्लाउड सिक्योर एलिमेंट, ट्रस्टेड एक्सक्यूशन एनवायरमेंट ETC तक विस्तारित है। प्रदान की गई कार्ड टोकनाइजेशन सेवा का अंतिम उत्तरदायित्व अधिकृत कार्ड नेटवर्क के पास है। अब टोकनाइजेशन है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड विवरण के प्रतिस्थापन को टोकन नामक एक यूनिक अल्टरनेट कोड के साथ संदर्भित करता है, जो कार्ड टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए यूनिक होगा। अब बात हुई है RBI के बारे में, तो हम लोग RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, तथा यह सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक कहलाता है। भारत के अर्थव्यवस्था को भी यह कंट्रोल करके रखता है। यह RBI का लोगो, यह इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में ही 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी कोलकाता में, जबकि अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने EASI यानी ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने ईज 3.0 पुरस्कारों की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड का समग्र विजेता है बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर है। इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। SBI, BOB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने PSB सुधार एजेंडा EASI 3.0 के विभिन्न विषयों में शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। क्रम संख्या 1 जिसका पुरस्कार दिया गया उसका विवरण है, महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट लैंडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा जीता है, यह थीम रहा है बैंक ऑफ। दूसरा स्थान पर बैंकिंग के तकनीक सक्षम आसानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह थीम रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तथा अन्य सभी जो जिसके बारे में है उसके बारे में दिया हुआ है, मतलब कौन बैंक इसका कौन सा थीम रहा उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा EASI 4.0 का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी PSB सुधार एजेंडा EASI 4.0 के चौथे संस्करण का अनावरण किया है। EASI 4.0 का प्रमुख विषय प्रौद्योगिकी सक्षम यानी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिंप्लीफाइड कोलाबोरेट बैंकिंग है। ईज का मतलब EASI यानी एनहेंस्ड एक्सेट एंड सर्विस एक्सेलेंस। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि निर्मला सीतारमण जी EASI 3.0 का पुरस्कार के विजेता पुरस्कृत किए हुए हैं, तथा EASI 4.0 का उद्घाटन भी किए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं EASI 4.0 है क्या, EASI 4.0 का उद्देश्य क्या है।
4.0 का उद्देश्य ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम करने के तरीकों में डिजिटल और डेटा को गहराई से इन्वेस्ट करना। इन 4.0 सभी PSB को डिजिटल हमलावर बैंकों में बदलने के लिए एजेंडा और रोड मैप सेट करता है, जो उद्योग सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवा प्रौद्योगिकी तंत्र के प्रमुख घटकों के साथ हाथ हाथ से काम कर रहा है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 30%। केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ यानी IBA के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के तक 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन का तत्काल लाभ मृत बैंक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में अधिकतम 9,284 प्रति माह से 30,000 से 35,000 की वृद्धि होगी। दूसरी बड़ी घोषणा, NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कर्मचारियों के पेंशन फंड में नियोक्ता बैंकों के योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 60% बैंक कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं। अब बात हुई है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA के बारे में, तो जान लेते हैं IBA के बारे में। IBA के अध्यक्ष अभी वर्तमान में राजकिरण राय जी हैं, इसके CEO सुनील मेहता है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली यानी UAS नियम 2021 को निरस्त कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री ने मानव रहित विकास प्रणाली यानी UAS अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम नियम 2021 को निरस्त कर दिया है और इसे उदारीकृत ड्रोन सिस्टम 2021 से बदल दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले से UAS नियम 2021 को शिक्षाविदों, स्टार्टअप, एंड यूजर्स और अन्य हितधारकों द्वारा प्रकृति में प्रतिबंधक माना जाता था, क्योंकि उनमें काफी कागजी कार्रवाई शामिल थी। हर ड्रोन उड़ान के लिए आवश्यक अनुमति और बहुत कम फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन उपलब्ध थे। उदारीकृत ड्रोन 2021 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है जो यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि शुल्क की मात्रा नाम मात्र के स्तर तक कम हो गई और ड्रोन के आकार से अलग हो गई। दूसरा है, ग्रीन जोन में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन जोन का मतलब 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक का हवाई क्षेत्र, जिसे हवाई क्षेत्र के नक्शे में लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है। तीसरा है, नियमों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। चौथा है, हवाई अड्डे की परिधि से पीला क्षेत्र 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया था। और पांचवा है, उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना 1,00,000 रुपये तक कम कर दिया गया है। अन्य जो यहाँ पर दिया हुआ है आप इसे पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, 8 मुख्य विशेषताएं दिए हुए हैं। तथा बात हुई है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो हाल ही में यानी पिछले महीने में जो कैबिनेट बदलाव हुआ है उसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि KJ अल्फोंस। यह इमेज में KJ अल्फोंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक प्राप्त हुई है। यह पुस्तक श्री अल्फोंस द्वारा लिखित भारत की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों के बारे में है। केजे अल्फोंस पूर्व संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं, जो 3 सितंबर 2017 से मई 2019 तक कार्यालय में थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने हितेंद्र दवे को किस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि HSBC बैंक इंडिया।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हितेंद्र दवे की HSBC इंडिया बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। RBI ने 24 अगस्त 2021 से 3 साल के अवधि के लिए मंजूरी दी है। जून 2021 में HSBC ने हितेंद्र दवे की HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी। दवे सुरेंद्र रोसा की जगह लेंगे जो 3 साल के बाद HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जा रहे हैं। हितेंद्र दवे पूर्व में HSBC इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट के प्रमुख थे। अब बात हुई है HSBC इंडिया के बारे में, तो HSBC इंडिया के बैंक के बारे में जान लेते हैं। यह है HSBC बैंक का लोगो। HSBC बैंक इंडिया एंड इंडियन सब्सिडरी ऑफ UK बेस्ड HSBC होल्डिंग्स PLC यानी HSBC होल्डिंग्स जो कि UK बेस्ड बैंक है जिसका एक शाखा है, सब्सिडरी है इंडिया में, जिसका नाम है HSBC बैंक इंडिया। इसके वर्तमान में भी CEO है हितेंद्र दवे जी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है भारत के लिए, तथा इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था HSBC तथा द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने PIDF योजना के तहत PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि RBI। RBI ने PIDF योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले Tier 1 और Tier 2 के केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करने की घोषणा की है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना RBI द्वारा Tier 3 से Tier 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल यानी POS इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती की प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। अब बात हुई PIDF, तो PIDF का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। PIDF का फुल फॉर्म होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तथा RBI का फुल फॉर्म क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह है RBI का लोगो। RBI के बारे में तो हम लोग पिछले ही आज के क्वेश्चन में पीछे हम लोग जाने हैं, फिर भी यहाँ पर आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं अब आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मालदीव। भारत और मालदीव की सरकार ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव ने अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना भारत सरकार GMCP के कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइफ ऑफ क्रेडिट यानी LOC और $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण कर रही है। $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब बात हुई है मालदीव के बारे में, तो हम लोग मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है तथा यहाँ का करेंसी रुपया है। द्विवेही यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा वर्तमान में यहाँ का प्रेसिडेंट यानी मालदीव का प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। यह है भारत से सटे एक द्वीप पर बसा देश मालदीव, जो कि बहुत ही छोटा सा देश है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैप में कितना छोटा सा देश है, यह है वर्ल्ड मैप में मालदीव देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड और सशक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। डेक्स्टर का उपनाम लॉर्ड टेड एक आक्रामक बल्लेबाज और अंशकामिक सीम गेंदबाज थे, जिन्होंने 1958 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण करने के बाद इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेले और 1961 से 64 के बीच कप्तान भी थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि जम्मू और कश्मीर। J&K गवर्नमेंट अप्रूव्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिल्म पॉलिसी 2021। ऑन थर्सडे यानी थर्सडे को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने फिल्म पॉलिसी 2021 को इंप्लीमेंटेशन किया है यानी मंजूरी दे दी है। अब बात हुई है
जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। मैप में जम्मू कश्मीर जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है, यहाँ पर जम्मू तथा श्रीनगर यहाँ का राजधानी है तथा मनोज सिन्हा जी यहाँ का उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू है तथा 89 लोकसभा सीटें, 36 राज्यसभा सीटें तथा यहाँ पर मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है सिटी फॉरेस्ट जिसे सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। दच्चीग्राम नेशनल पार्क यहाँ का ही मेन नेशनल पार्क है तथा किश्तवर नेशनल पार्क यहाँ का ही फेमस नेशनल पार्क है। हेमिश नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी लेकिन यह बट जाने के कारण जो 19 में बट गई 2019 में, तब से यह लद्दाख में पड़ती है यानी कि लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क है। यह एक यूटी यानी एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सोनू सूद। सोनू सूद टू बी ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिल्ली गवर्नमेंट्स देश के मेंटर प्रोग्राम सीएम अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि देश के मेंटर प्रोग्राम सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट मैंने दिल्ली में शुरू की गई है तथा दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट सरकार द्वारा शुरू की गई यह प्रोग्राम देश के मेंटर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। यह सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है। अब बात हुई है सोनू सूद के बारे में, तो सोनू सूद के बारे में जान लेते हैं। सोनू सूद ने कोरोना महाकाल में जो 2020 से चली आई उसमें बहुत ही भारतीय तथा अन्य विदेशियों को भी यानी दूसरे देश से अपने देशों में लाने की सुविधा तथा अन्य गरीबों की सुविधा जितना भी हो सके इनसे बहुत ही मदद किए हैं। यह इमेज में सोनू सूद, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा तथा यह है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं। सोनू सूद यह एक भारतीय एक्टर है। इनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हुआ था यानी यह एक 48 वर्षीय इंडियन एक्टर हैं। इनका हाइट 1.88 मीटर है। इनका स्पोज का नाम सोनाली सूद है। चिल्ड्रन का नाम ईशान सूद तथा आयान सूद है। इनका पैरेंट का नाम शक्ति सूद तथा सरोज सूद है तथा इनका सिबलिंग का नाम मोनिका सूद तथा मालविका सूद है। अब बात हुई है सोनू सूद के बारे में तो हम लोग जान लिए, तथा दिल्ली सरकार के बारे में बात हुई है तो दिल्ली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक यूटी, भारत का यूटी जिसका नाम है दिल्ली, एक छोटा सा यूटी है जो कि उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के बीचों बीच बसा हुआ है। न्यू दिल्ली यहाँ का राजधानी है। अनिल बैजल जी यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अरविंद केजरीवाल यहाँ का सीएम है। 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर कुछ 70 विधानसभा सीट है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। यहाँ का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन अनाउंसड रुपीज 317 करोड़ पैकेज फॉर वेलफेयर ऑफ श्रीलंकन रिफ्यूजी। तो श्रीलंका शरणार्थियों के लिए तमिलनाडु सरकार एम के स्टालिन ने 317 करोड़ रुपए का पैकेज वेलफेयर अनाउंस किया है। अब बात हुई है श्रीलंका तथा तमिलनाडु के बारे में, तो दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। श्रीलंका के पहले बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में अभी लेजिस्लेटिव कैपिटल यहाँ का श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंकन रूपी यहाँ का करेंसी है तथा सिन्हाला तथा तमिल यहाँ का लैंग्वेज है। तमिल लैंग्वेज इसलिए फेमस है क्योंकि तमिलनाडु तथा श्रीलंका लगभग श्रीलंका देश तथा तमिलनाडु राज्य भारत का दोनों एक छोर पर बसे हुए हैं। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्षा। यह है इंडिविजुअल मैप श्रीलंका का, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह कहाँ पर है। यह नॉर्थ सेंट्रल है, यह सेंट्रल है, यह ईस्टर्न है तथा यह साउथर्न है। यह नॉर्थ में पड़ता है तथा यह नॉर्दर्न है। आप इसे हर जगह को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा जगह कहाँ पर पड़ता है। इसके बगल में राइट की ओर बे ऑफ बंगाल पड़ता है तथा उसके लेफ्ट की ओर गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है। यह है वर्ल्ड मैप में श्रीलंका देश, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आप चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। पहले तमिलनाडु, यह तमिलनाडु राज्य मैप में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ का राज्यपाल है। एम के स्टालिन यहाँ का मुख्यमंत्री है तथा 39 लोकसभा सीट है। यहाँ पर 18 राज्यसभा सीट है तथा 234 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2022
2021 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मास्को रूस में। मास्को रूस के पैट्रियट एक्सपो कुबिंका एयरबेस और अल्बिनो सैन्य प्रशिक्षण मैदान में 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण है। अब जान लेते हैं इस मंच के बारे में। फोरम 2021 के रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी विभिन्न विदेशी प्रदर्शकों, प्रतिमंडलों और आगंतुकों द्वारा सशस्त्र बलों के लिए नवीन विचारों और विकास पर चर्चा करने के लिए आयुध और सैन्य उपकरणों की दुनिया की अग्रणी प्रदर्शनी और आधिकारिक मंच है। तो दोस्तों यह बात हम लोग जान लिए, मास्को रूस में आयोजन किया गया है भारत का आर्मी 2021 फॉर्म। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में सिस्को और किसने WEP NXT महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नीति आयोग। सिस्को और नीति आयोग ने साझेदारी के साथ भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए WEP NXT शीर्षक से महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP का अगला चरण शुरू किया है। WEP जिसे 2017 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमि की महिला को एक साथ लाता है और उनके कई संसाधनों, सहायता और सीखने की अनुमति प्रदान करता है। अब जान लेते हैं WEP NXT प्लेटफॉर्म के बारे में। WEP NXT प्लेटफॉर्म इस WEP का अगला चरण है। भारतीय महिला उद्यमियों की एक केंद्रित अध्ययन और 6 प्रमुख कार्यस्थलों, समुद्री और नेटवर्किंग, समुदाय और नेटवर्किंग, कौशल और सलाह, उष्मायन और त्वरण कार्यक्रम और वित्तीय अनुपालन और विपणन सहायता में उनकी सबसे जरूरी जरूरतों के साथ आधार पर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की प्रेरणा देगी, यानी प्रेरित होगा। अब बात हुई है नीति आयोग के तथा बारे में तथा WEP के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन यानी कि 1 जनवरी 2015 को इसका निर्माण हुआ था। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिडिक्शन में आता था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री, इसी वजह से यह चेयरपर्सन अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका फाउंडर था NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब WEP के बारे में यानी वर्ल्ड इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी WEP, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, पूरी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। WEP इज नीति आयोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव विच वॉज इनिशियली लॉन्च इन 2017। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिफाइड पोर्टल दैट ब्रिंग्स टूगेदर वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड गिव्स देम एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड लर्निंग। WEP नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है जिसे 2017 में शुरू में लॉन्च किया गया था। यह इस प्रकार का पहला पोर्टल है जो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट बैकग्राउंड्स को एक एक्सेस प्लेटफॉर्म देता है तथा एक तरह से सीखने के लिए एक जगह आपस में जोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और उससे पहले WEP नेक्स्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इसका बढ़ावा होगा, क्या विशेषता है, क्या इसका मतलब फॉलो होगा, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसे WEP NXT के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 शहरों को वाटर प्लस प्रमाणीकरण से सम्मानित किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के 3 शहरों को वाटर प्लस प्रमाणीकरण से सम्मानित किया है। अब चलते हैं आज के आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में किस शहर को 60 वैश्विक शहर में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा इस लिस्ट में भारत की तरफ से कौन कौन सा शहर रहा है, आप इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से दिए होंगे तथा आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से डेज को जरूर लिखा कीजिए ताकि आपको डेज ध्यान में रहे। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं तथा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको करंट अफेयर्स का PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड हो जा सके। चलिए तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।